कि एक बार भगवान श्री कृष्ण श्री जी को मिलने के लिए मानसरोवर आए और बहुत सुंदर गोपी रूप इन्होंने धारण किया। बहुत सुंदर गोपी रूप में योगी की मुद्रा में ये बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण। सामने श्री जी की बहुत सुंदर सुवर्ण की एक प्रतिमा बनाई, बहुत सुंदर पुष्पों से उसको श्रृंगार किया, अनेक प्रकार के भोग लगाए और नेत्र बंद किए, योग मुद्रा में नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित किया, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सबसे पहला दर्शन ललिता ने किया। इतनी सुंदर देवी, इतनी सुंदर योगिनी, कौन ये देवी है, इतना योग इसको, इतनी ध्यान में डूबी, दौड़ कर गई है, स्वामिनी 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 जल्दी चलो, क्या है, एक बड़ी दिव्य गोपी किस लोक से आई है मालूम नहीं, मानसरोवर के तट पर बैठी है, ध्यान में डूबी है, राधे राधे का जप कर रही है, आपकी सुवर्ण की बहुत सुंदर प्रतिमा उसने अपने सामने रखी हुई है, बहुत अनेक प्रकार के व्यंजनों के भोग लगाए हुए हैं और आपके नाम की रट लगा रही है। स्वामिनी नेत्रों को अगर सफल करना चाहती हो, नेत्रों को अगर धन्य धन्य करना चाहती हो, एक बार उस गोपी का दर्शन करो। जब वर्णन के पूछा कि उसकी उम्र क्या है, बोले 22 किशोर उन्हार नंद किशोर की, बिल्कुल किशोर अवस्था है, सामली सलोनी बड़ी मनोहारी है, वैश्य किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, अखियां बड्डी बड्डी सुख देनी पैनी कोर की, बड़ी बड़ी उसकी कमल जैसी आंखें हैं, इतने चलचल सुंदर नेत्र हैं, लगता है कि खंजन पक्षी नृत्य कर रहे हो। स्वामिनी एक बार नेत्रों को धन्य करना हो, आप एक बार दर्शन करें। सुनते ही राधा जी रोमांचित हो गई, चूंकि भगवत चर्चा सुनते ही जो स्थिति यहाँ मानसरोवर पर राधा जी की हुई है भगवान का वर्णन सुनकर, ठीक यही रोमांच की स्थिति जानकी जी की पुष्प वाटिका में हो गई थी, जब सखी ने जाकर जानकी जी को कहा, अरे जानकी ये देवी कहीं नहीं जा रही है, इस देवी का दर्शन पूजन बाद में कर लेना ना, जल्दी चल, वो देवता इस समय बाग में आए हुए, कौन आए हैं, बोले देखने पाके मोहनी मूरत से सारे विदेह नगर को देह में डुबो दिया, पागल कर दिया, इस समय दोनों बाग में आए हुए, देवी जल्दी चलो दर्शन। सिय हिय अति उत्कंठा जागे। गुरु और कुछ नहीं करते, गुरु कथा सुनाकर जीव के हृदय में भगवत दर्शन की, भगवत भजन की उत्कंठा पैदा कर देते, और जब किसी चीज की लालसा होती है, उत्कंठा होती है,
तो लाल जी कोई ना कोई रास्ता भी बता देते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं जो उंगली पकड़कर हमको ले जाए। और भगवत दर्शन केवल भजन से नहीं होता, भजन भी गुरु के सानिध्य से ही फलित होता है। आप योग्य हो सकते हैं लेकिन डिग्री किसी न किसी अध्यापक के चरणों में बैठकर पढ़ाई करने से ही मिला करती है। नौकरी तो डिग्री देती है, नौकरी केवल योग्यता नहीं दिया करती है। तो जैसे सीता जी को रोमांच आ गया और वो चलती चली अग्र कर, गुरु आगे आगे, भक्त पीछे पीछे, हमेशा गुरु को आगे रखिए। हम गुरु से आगे होने की कई बार कोशिश करते हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं, असफल हो जाते हैं। हमेशा गुरु की छाया में चलो, हमेशा गुरु को आगे चले। और इतनी गदगद हो गई राधा जी, इतनी गदगद हो गई, बहुत सुंदर कीमती हार पहनी थी, एकदम ललिता के कंठ में डाल दिया। चल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, दूर से दर्शन किया, देवी बैठी है, भगवान श्री कृष्ण ही थे, गोपी भूष में बैठे थे, राधे राधे, बड़ी दर्दिली आवाज। श्री जी ने कहा, दूर से दूर खड़े होकर कहा, तुम्हारो नाम कौन, तुम्हारो गांव रही है, अरे सखी तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस गांव में रहती हो, कहाँ से आई, कौन तिहारो नाम, कहाँ तिहारो गांव री, सखी ते मेरा मन तूने मोहित कर दिया, अरे सांवरी सखी ते मेरो मन मोहयो, हे सांवली सखी तूने मेरा मन मोहित कर दिया। धीरे से बोलती है, धीरे से, श्यामा मेरो नाम, गांव वही जहां नंद को, थोड़ी जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा। ललिता बोली, नहीं स्वामी, नहीं, योगी जो होते हैं ना वो धीरे धीरे बोलते, तो कथावाचक होते हैं जो सबके कान फाड़ते रहते हैं। हाँ, ये गले फाड़ने वाले तो कथावाचक होते, योगी महात्मा तो बहुत धीरे बोलते, संकेत करते, इशारे करते, थोड़ी सी ऊंचे स्वर में बोली। भगवान श्री कृष्ण गोपी वेश में बोले हैं, श्यामा मेरो नाम, गाम वही जहां नंद को, हे सखी तेरो मेरे ध्यान, चंद ज्यो चकोर को, हे सखी मेरा नाम श्यामा है, मुझे लोग श्याम सखी कहते, गांव तो मेरा भी वही है जहां नंद बाबा रहते, पर क्या बताऊं, जैसे चकोर टकटकी लगाकर चंद्रमा को निहारता रहता है, ऐसे मैं तुझे निहारती रहती। लेकिन बात खुल गई, बात खुल गई, अब जब खुल गई तो खुल गई, फिर तो प्रकट हो गया सब। और फिर जो यहां लीला हुई है आनंद में, फिर फाग लीला हुई है, एक फाग लीला हुई है बरसाने में, और एक फाग लीला हुई है राधा रानी में, मानसरोवर, क्या होली की धूम मची। फाग खेलन मन मोहन आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन मन मोहन आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन मन मोहन आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन मन मोहन आए हैं नटवर नंद किशोर। अरे सज धज के ब्रज गोपी आई, 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 उमड़ घटा अंबर पे छाई, उमड़ घटा अंबर पे छाई, रंग गुलाल उड़ाए वंशी की घन घोर घोर, जिन रंग गुलाल उड़ाए हैं वंशी की घन घोर, फाग खेलन मन मोहन आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन मन मोहन आए हैं नटवर नंद किशोर।
छोड़ो माखन चोर चोर राधे ने सेन चलाए पकड़ो माखन चोर भाग खेलन मन मोने आए नटवर नंद किशोर भाग खेलन मन मोहन आए नटवर नंद किशोर अरे जो लाला घर जानो चाहे जो लाला घर जानो चाहे अरे जो लाला घर जानो चाहे राधा रानी पर माननी का मान टूटा, सखियां गदगद हो गई, होली की धूम मची है।